हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, जो कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको 3 लेक्चर्स की वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका कॉन्सेप्ट किसने डेवलप करा था? मार्शल ने अपनी किस बुक के अंदर? उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मैं आपको डिमांड के अंदर बता चुका था कि जैसे जैसे हमारे प्राइस में चेंजेस आता है, उसी हिसाब से हमारा डिमांड में भी चेंजेस आता रहता है। अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। और इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या है, जो हमारा डिमांड में चेंजेस होता है, ठीक है, किसकी वजह से चेंज होता है? हमारे जो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड का अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। सपोज मान लो वो सॉरी फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स में कितना चेंज आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, इस सबको मेजर किस में करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इस मतलब चेंज इन फैक्टर में, फैक्टर्स में कितना चेंज हुआ है, उस हिसाब से डिमांड में कितना चेंज हुआ है, इस सबको नापने के लिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, वैसे फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स में से 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है मैंने, आउट ऑफ वॉरिस डिटर्मिनेंट्स वी हैव 3 मेजर डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो 3 मेजर डायमेंशन है उन्हें हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी मैं 3rd चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है या फिर डिमांड को इफेक्ट करता है। किस तरीके से? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे किसी कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, उसमें कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है, उसी हिसाब से हमारा क्वांटिटी में भी उतने परसेंटेज का चेंज आ रहा है या नहीं, इसको हम मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, सपोज मान लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर अगर प्राइस में हमारा 50% का चेंजेस आया, तो वो 50% का चेंज हमारा क्वांटिटी में आया है या नहीं आया है, ये सब हम किससे मेजर करते हैं? हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन परसेंटेज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपके कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये मैं आपको 3rd चैप्टर के अंदर बता दूंगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कितने परसेंटेज का चेंज आया है, उसी को हम किस में नापते हैं? आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब सब्स्टिट्यूट का, दूसरे आपका 2 प्रोडक्ट होते हैं इसमें, अगर एक प्रोडक्ट में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, उतने परसेंटेज का चेंज आपका सेकंड प्रोडक्ट में देखने को मिलता है या नहीं, इसको नापने के लिए किसका हम यूज करते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है और आपकी उस कंज्यूमर की डिमांड में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, इस सबको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि इनकम की वो कंज्यूमर की इनकम में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है और उसकी डिमांड में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, इस सबको हम किस में काउंट करते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा परसेंटेज मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो क्या है आपका, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड में चेंज इन प्राइस। अब ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ये कैसे निकालोगे, चेंज इन प्राइस है ये कैसे निकालोगे, इसका मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड में
इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड इनटू में 100, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हो आप, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये आपका निकलता है Q1 माइनस Q, Q1 होता है आपका न्यू क्वांटिटी और Q होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी। और नीचे आपका है चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कैसे निकला, सेम चेंज इन प्राइस, इन प्राइस डिवाइड में ओरिजिनल प्राइस, इनटू में 100। इससे क्या होगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा। और चेंज इन प्राइस आप कैसे निकालते हो, वही आपका चेंज इन प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या था, P1 माइनस P, P1 होता है आपका न्यू प्राइस और P होता है आपका इनिशियल प्राइस, मतलब शुरू में जो प्राइस था और जो नया प्राइस है उसे जो माइनस कर देते हो तो आपका चेंज इन प्राइस निकल के आ जाता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, अगर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकली तो उसे आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद एक और इसका वो फॉर्मूला होता है, उसे क्या कहता है, प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड में मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इसी के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व कीजिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ED इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइड में चेंज इन P इंटू में P डिवाइड में Q। ये मैं बता चुका हूँ चेंज इन Q का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इस चेंज इन पी का मतलब क्या, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, और पी का मतलब क्या है, इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस मतलब शुरू का जो प्राइस था, और क्यू का मतलब क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, ये आई थिंक ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आए कि डायरेक्ट किसी न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसके थ्रू आपको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर का मेन पॉइंट आपका ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 5 डिग्रीज होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की, ठीक है। तो वो 5 डिग्रीज मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन की हुई है। पहले आपकी है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बेसिकली होता है कि आपका जो आपका प्राइस होता है वो फिक्स रहता है और क्वांटिटी होती है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जैसे प्राइस आपका रख लेता है 20, 20 एंड 20 और क्वांटिटी पहले वो 30, 40 एंड 50। इस केस में क्या है, आपका प्राइस फिक्स है बट जो डिमांड है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे डायग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स है और जो डिमांड है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है घट रही है वो डिपेंड करता है केस कैसा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ठीक है, इट इज नोन एज परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आपका प्राइस है वो फिक्स रहे और आपका जो डिमांड है उसमें चेंजेस देखने को मिले तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, आपकी जो डिमांड होती है वो फिक्स रहती है बट जो प्राइस है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलता है। सपोज मान लो डिमांड आपकी 50, 60, 70 हो गई और जो डिमांड है वो फिक्स है ना, 50, 50 एंड 50 और प्राइस सपोज मान लो 10, 15 एंड 20। प्राइस में तो चेंजेस हुए हैं आपके बट जो डिमांड है वो फिक्स रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका मेडिसिन वगैरह। मेडिसिन के जो प्राइस है वो कितने भी बढ़ जाए या घट जाए बट जो उसकी डिमांड है वो हमेशा उतनी ही रहती है, ठीक है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ जो प्राइस है वो कम ज़्यादा हो रहा है बट जो डिमांड है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन की तरह मतलब फिक्स हो रखी है,
डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, बट जबकि प्राइस में आपके चेंजेस देखने को मिल रहा है, एक तरफ ज़्यादा हो रहा है एक तरफ कम हो रहा है। तो थर्ड है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? एंड इलास्टिक डिमांड इज वन इन इन विच अ चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड ड्यू टू लार्ज इन चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी प्राइस है उसमें तो चेंजेस कम होता है, कम या ज़्यादा को सॉरी कम का होता है, बट जो हमारी क्वांटिटी है या जो डिमांड है उसमें चेंजेस आपको ज़्यादा का देखने को मिलता है। सपोज मान लो यहाँ पे 10 था, इधर 15 कर दिया, कितने परसेंटेज का चेंज हुआ? इधर 50% का। इधर मैं क्वांटिटी रख देता हूँ 100 और इधर रख देता हूँ डायरेक्ट 500। यहाँ कितने परसेंटेज का चेंजेस देखने को मिला आपको? 400% का। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड। जब आपका प्राइस में तो छोटा सा चेंजेस हो बट जो डिमांड है उस थोड़े से चेंज की वजह से काफ़ी चेंजेस काफ़ी बड़े या फिर कम देखने को मिले। डिमांड कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है या फिर बहुत कम भी हो सकती है, प्राइस जब थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, ठीक है? तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि मैंने डायग्राम में भी आपको बताया, यहाँ पे प्राइस था आपका 80 से 65 हुआ है, यहाँ पे वो प्राइस का थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला बट डिमांड देखिए आप डायरेक्ट 50 से 110 तक मान, मतलब डिमांड में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। तो इस केस को हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आपका लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है? जो प्राइस है हमारा उसमें चेंजेस ज़्यादा हो बट जो डिमांड है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो। सपोज मान लो मैंने प्राइस इस बार रख दिया 100 और इधर ये प्राइस इसका चेंज हो गया 500, यहाँ पर कितने परसेंटेज का चेंज हुआ? 400 का ही। और मैं क्वांटिटी रख देता हूँ या फिर डिमांड रख देता हूँ इधर 50 और इधर कर दिया मैंने 100, यहाँ कितने परसेंटेज का चेंज देखने को मिला? 100% का। तो इस केस में 400 और इस केस में 100। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड। जहाँ पे आपके प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो बट क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे प्राइस है उसमें तो ज़्यादा चेंज हुआ है बट जो क्वांटिटी है, जो हमारी डिमांड है, उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है? जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी है वो सेम रेट से कम ज़्यादा होते हैं, सेम परसेंटेज से कम ज़्यादा होते हैं। जैसे प्राइस था 5 से 10, पूरा 100% का चेंज देखने को मिला है। ऐसे यहाँ पे 10 से 20, यहाँ पे भी 100% का पूरा चेंज आप देखने को मिलेगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम रेट से चेंज होते हैं। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज अ टाइप ऑफ डिमांड विच चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस। दिस मीन्स द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने परसेंटेज का चेंज आपको प्राइस में देखने को मिलेगा, उतने परसेंटेज का चेंज आपको डिमांड में भी देखने को मिलेगा। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जितने परसेंटेज का चेंज प्राइस में हुआ है उतना ही परसेंटेज का चेंज आपका डिमांड में भी हुआ है, ठीक है? तो एक क्विक रिकैप मैंने इन आपका डिग्रीज का बनाया हुआ है, आप इसे देख लेना। पहला आपका सॉरी टाइप, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड डिस्क्रिप्शन। टाइप में के अंदर आता है पहला परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक को आप ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इन्फिनाइट डिमांड एट द सेम प्राइस। जो हमारी डिमांड है वो कम ज़्यादा होती रहे बट जो प्राइस हमारा फिक्स रहे, ठीक है? सेकंड क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक को आप ईडी इक्वल्स टू जीरो से डिनोट करते हो। इसका क्या मतलब है? सेम डिमांड एट ऑल प्राइस। जो हमारा प्राइस है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं बट डिमांड है वो सेम रहती है। थर्ड है आपका हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक को किससे डिनोट करते हो? ईडी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फोर्थ पॉइंट है आपका लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक को आप किससे डिनोट करते हो? ईडी लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में जितना चेंज हुआ है उससे कम आपका प्राइस के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। फिफ्थ आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? ईडी इक्वल्स टू 1। मतलब जितना परसेंटेज का चेंज आपको डिमांड में देखने को मिलेगा उतने परसेंटेज का चेंज आपको प्राइस में भी देखने को मिलेगा। इसे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है? ये मैंने डायग्राम आपके लिए यहाँ पे फ्रेम कर दिया, आप इसे देख सकते हैं। तो लास्ट आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है? और तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।